अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक हो गया आप सबका अनदर व्लॉग के अंदर। और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। मैं आप लोग से काफी दिन से बोल रहा था कि मंडी व्लॉग आएगा, तो फाइनली मंडी व्लॉग आ चुका है। और इस वक्त मैं मवेशी मंडी 2023 जो नॉर्दर्न बाईपास से थोड़ा सा आगे लगी हुई है वहाँ पे मौजूद हूँ। आप लोगों से कहा था 500 सब्सक्राइबर कैंप वगैरह इससे पहले करवाना है, तो इस वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर करना है। 500 सब्सक्राइबर का एम रखते हैं। और ये रफाकत भाई के टैंक पे, जो आजकल रफाकत भाई यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ही फेमस हो चुके पहले ट्रक के नाम से, और इन्हीं के टेंट में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे बहुत सारी गायें देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे देखता हूँ मैं वो जो 70 लाख का बछड़ा है, वो मुझे आई विटनेस करना है कि है कहाँ पे 70 लाख वाली चीज़ है या नहीं। और रफाकत भाई से भी मुलाकात करते हैं हम यहाँ पे, अगर सो नहीं रहे तो। इस वक्त 7:30 बज चुका है और सुबह का 7:30 बजा, और इतनी जल्दी मंडी के शौकीन ही आ सकते हैं। चले आए, मैं आपको दिखाता हूँ वो 70 लाख वाला बछड़ा। पैर तेरी ये रहा, माशाल्लाह से यार है तो जानदार तो है यार, लेकिन होने चाहिए मेरे इसके पैसे इतने। वही बात है ना, फेमस होने के लिए लोग रेट तो ऊपर करेंगे ना। अब मैं भी कल को बोल दिया करोड़ों का बेचना तो है नहीं। नसल है ये, नसल बहुत मुश्किल है भाई साहब। नसल है लेकिन फेमस होने के लिए भी तो है। ये नसल कौन सी कहलाती है वैसे? गुलाबी। गुलाबी, हर चीज गुलाबी गुलाबी, गुलाबी नाक है वो होता है ना, क्या बोलते हैं, नुखरा वाइट। नहीं जो मुझे समझ में आ रहा है कि यार ये 50 से ऊपर वाली चीज तो है। अब मोबाइल में इतना ज़्यादा वाजे नहीं होता है, इसीलिए देख के अंदाजा। मैं भी उस वक्त सोच रहा था कि 70 लाख वाला ऐसा इसमें है क्या, लेकिन अब जब आई विटनेस किया तो समझ में आ रहा है यार इसकी 2 बालिश 3 बालिश तो पीछे की बैग है खाली, और ये इसी के बराबर में हमारी औकात वाला बछड़ा खड़ा हुआ है। और 7-8 मन का है ना, इतना ही है पूरा। पूछ लो रेट 10 लाख से ऊपर ही बताइए हम, क्योंकि अभी शुरू शुरू का दिन है ना, 1.5 महीना 2 महीना है अभी। हाँ उनको भी पता है, बेचना तो है नहीं और जो आ रहा है खरीदना तो है। बेचना है लेकिन अभी जो आ रहा है रेट पूछना, वो सब ऐसा ही उनको, वही तो बोला उनको पता है कि कोई खरीदेगा तो है। एक गाय टोटल इस वक्त मंडी में कितने जानवर आ गए होंगे अब तक? मुझे एक ही बच्चिया नजर आई है, ढंग की नहीं बच्चिया, खूबसूरत तो बछड़े सारे बछड़ा। ओए होए, तकरीबन 100 के करीब जानवर यहाँ पे आ चुके हैं। लेटेस्ट अपडेट जो मंडी की है वो आज मैं आया हुआ हूँ, 19 मई है और जुम्मे का दिन है, और ये 6ठा या 7वां ट्रक अनलोड हुआ है। एक ट्रक और इसके पीछे खड़ा हुआ है। तकरीबन 100 जानवर यहाँ पे अभी मंडी में मौजूद है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ट्रक अनलोड हो रहा है, और एक भरमार लग जाएगी 10 दिन के बाद यहाँ मंडी की। अभी सही से तो नहीं, शौकीन लोगों के लिए लगी है कि आगे वो विजिट कर सकते हैं, अपनी अपना शौक पूरा कर सकते हैं। और ये भाई हमारे 4 जानवर लेके आ गए, 3 है। छोटा काला नजर आ रहा है, ये बचिया है, बहुत प्यारी है। कहाँ से आया उस्ताद आप? लाहौर से। लाहौर में कहाँ से? लाहौर में कहाँ? बोल लेते ना। हाँ बरामन बरामन ये भी ओरिजिनल नहीं है। ये भी ओरिजिनल नहीं, ये बरामन ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल है यार, वो तो बोल रहा है बस करो रेन दो, ओरिजिनल है, देखा भी है ओरिजिनल, इतना लंबा कान होता है उसका। हाँ बरामन नस्ल का कान बहुत बड़ा होता है, और नहीं इससे ज्यादा होता है यार। रेट वेट अभी बताओगे या 10 दिन के बाद ही बेचना शुरू करोगे? मैं बोल रहा हूँ ना, रेट तरीके से कोई नहीं बताएगा। और ये बच्चा मंडी देख के बताएंगे तभी, मंडी देख के बताएंगे क्या रेट चल रहा। और ये बहुत ही अभी सही से समझ में नहीं आ रही है। और हमारे छोटे जो जानवर आए थे हमारे लायक, वो कहाँ है? छोटे छोटे जानवर जो देखे थे कहाँ है? छोटे जानवर जो हमें लेने हैं वो देख लेता हूँ मैं, क्योंकि हम इतने ज्यादा ऊपर नहीं आते, 3-3.5 मन इससे ज्यादा का नहीं। और तो उससे भी कम है, है?
यहाँ उससे भी कम है, ये तो एक एक मन भी नहीं है। ये छोटे छोटे जानवर है, बेचना नहीं है, महंगाई नहीं देख रहे, बेचना महंगाई। अभी तुम्हें 10 दिन बाद खुद ही समझ में आएगा। ये बछड़ा भाई 1,20,000 का बताया इन्होंने, बछड़ा है, बछिया है, बछड़ा है ये बच्चा, 1,20,000 का बकरे का। और वो फिर ये 1,20,000 का तो रफाकत सकता, लोग उसके सही मांग रहा है। अब सोचो ये सब 70 जानवर 70 लाख का हो जाएगा फिर। ये भाई 3.5 मन तक की है। रेट क्या बोल रहे हो भाई इसके, उससे पूछिए उमेर क्या बताया था इसे। बहुत अच्छे हम लोग के लायक थे, अगर अम्मू होते ना मतलब सौदा करते। छोटे जानवर यार, देखो मैं आपको वो बताऊं पर्सनली, जो मुझे भी जहाँ तक अंदाजा है, अभी कोई व्यापारी बेचना मतलब शुरू करेगा वो अभी इसलिए रेट इतना ज्यादा बताते हैं ना ताकि छक्का लग जाए। अगर लग गया जैसे कल एक दो मतलब एक जोड़ी जो मंडी से बिकी है 25 लाख की, वो तो आपको पता ही होगा, इसीलिए रेट इतना मांगते हैं कि छक्का लग गया। सही रेट बिल्कुल बताना शुरू करते हैं ये लोग जब बकरीद से 10-15 दिन पहले या एक महीना पहले 20 दिन पहले, तो सब अपना माल लेकर आ जाते हैं मंडी रेट उस हिसाब से। हाँ जा रही है व्हाइट वाली बछिया का क्या मांग रहे हो? ओ चाचू का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल वाला है? कौन से गांव से आया? मैं चिरवाई कश्मीर से आया। कश्मीर से? कश्मीर कश्मीर अलग है। ये व्हाइट वाली बछिया जो इस बछड़े के पीछे क्या मांग रहे हो? कैसे व्हाइट वाले का? उसके बराबर जो 3.5 मन। हाँ उसके का 2.5 लाख। क्या बोल रहा है? अभी 2 लाख में मांग गया था, नहीं दिया। अभी मांग गया था, नहीं बोल रहा है। आराम कर भाई, मैं आपको एक बच्चा दिखाता हूँ। ये यहाँ पे बछड़ा यहाँ पे है और इसकी सलामी चेक करें आप लोग, गिर चुकी है सलामी, और सलामी के नीचे इसके जख्म भी आ चुका है। और बहुत अच्छा बछड़ा है, चलते वक्त सलामी इधर उधर होती ना। तो ये कौन सी नस्ल होती है उमेर? इसके सलामी देसी है, देसी नस्ल है, निखरा है बस। अबे तो मतलब ऐसे सलामी क्यों गिर जाती है? वो बीमारी होती है, बढ़ गई होगी गोश्त, बढ़ गया होगा तो गिर गई। इस व्लॉग को यहीं पे कर लेते हैं एंड, वीकली अपडेट मंडी की मैं करता रहूंगा इस चैनल पे ही। आपको मिलते हैं आपसे नई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और 500 सब्सक्राइबर का एम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।